हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की यह वीडियो इस बात को लेकर के कि एक बार में उस कंपनी से रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर की सारी एंट्रीज हमें दिखाई पड़े, यानी कि जो भी एंट्री हमने कर रखी है वो सारी हमें दिखाई पड़े, इसका कोई उपाय है क्या। तो देखिए, जब आप यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर आते हैं, यहाँ से बाहर निकलता हूँ, सेल्स वाउचर में हम अब गेटवे ऑफ टैली पर हम हैं, तो यहाँ पर एक बार डी प्रेस कीजिए, डिस्प्ले में आ जाएंगे, फिर यहाँ डेबुक में जाने के लिए प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ही एंट्री दिखाई पड़ेगी, क्योंकि 2 जुलाई 2019 में जो एंट्री पास हुई थी वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। आ रही है बात समझ में? लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड सारी एंट्रीज दिख जाएं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो आपको कीबोर्ड से एक बटन प्रेस करना है, ध्यान से सुनिएगा, अल्ट के साथ F2 प्रेस करना है। कब प्रेस करना है? जब यहां पर आप आ जाएंगे तब, ठीक है, डेबुक में जब आ जाएंगे तो आपको कीबोर्ड से अल्ट के साथ F2 बटन प्रेस करना है, और यहां पर वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग वाला डेट डालना है, यानी 1/4/2019 डालना है यहाँ पे, और यहां पर डालना है नीचे 31/3/2020, ताकि हम उस फाइनेंशियल ईयर की पूरी एंट्रीज देख सकें। तो यहां पर आपको फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड पूरी एंट्रीज देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं यहां दुर्गेश कंप्यूटर वर्ल्ड, ये क्रेडिटर पार्टी है, परचेज की ये एंट्री है, और ये एंट्री किस डेट पर किस तरह से पास की गई है, 1 अप्रैल 2019 को, ये पूरा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। फिर यहां से बाहर आता हूं, ये दूसरी एंट्री है, कैश में पास की गई है, सेल्स वाउचर में, और ये देखिए यहां पर डेट लिखा हुआ है 2 अप्रैल 2019, ठीक है। और फिर यहां से बाहर आता हूं और फिर इस वाली एंट्री को हम देखेंगे, तो ये वाली एंट्री भी 2 अप्रैल 2019 में पास की गई है, और ये परचेज वाली एंट्री है जो कि कैश में पास करी गई है। फिर नीचे आता हूं, यहां पर ये एंट्री देख सकते हैं, और ये 2 जुलाई 2019 में पास की गई है, और ये सेल्स वाउचर में पास की गई है, और ये भी कैश में पास की गई है। और यहां पर एट लास्ट एक और एंट्री है जो कि 1 अप्रैल 2019 की है, जो कि परचेस वाउचर में पास की गई है। आप देख सकते हैं सारी एंट्रीज को। तो उम्मीद करता हूं कि ये सिंपल तरीका आपको जरूर पसंद आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जाना है पहले डिस्प्ले में, फिर डेबुक में, और फिर यहां से अल्ट के साथ F2 प्रेस करना है, फिर आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर रहा हो, जैसे मेरा 1/4/2019 है, तो यहां पे 1/4/2019 कर दिया, और यहां पर 31/3/2020 करके, और इस एंट्री को हम जो भी एंट्रीज पास हुई है इसके रिगार्डिंग हम देख सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।